Hi students, today we see English Bharati class 5th, lesson number 7, Major Dhyanchand. Okay, so we start our lesson. Okay, who is Major Dhyanchand? आपने Major Dhyanchand के बारे में सुना है क्या? Major Dhyanchand क्या थे? एक hockey player थे. Okay, and Indian soldier भी थे. Okay, ये हमारे Dhyanchand, Major Dhyanchand. देखा आपने? आपने Major Dhyanchand के बारे में कहीं पे देखा होगा, कहीं पे सुना होगा, ओके, कहीं पे पढ़ा होगा आपके, ओके, आपने. तो, so, we start our lesson, Major Dhyanchand, ओके. Saturday, 15 August 1936. It was a day of hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. Berlin and Germany में क्या थे? 15 अगस्त 1936 को क्या थे ओलंपिक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे ओके हॉकी फाइनल था वहां पे ओके जर्मनी हैड डिफीटेड सेवरल टीम्स टू एंटर द फाइनल्स अगेंस्ट द इंडियन टीम अभी जर्मनी ने क्या किया था इंडियन टीम को बहुत बार हरा चुके थे फाइनल्स में ओके देयर वेयर द होस्ट ऑफ ओलंपिक्स ओके एंड दे वेयर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री अभी जर्मनी को लगता था कि हमने तो अभी इंडियन टीम को हरा दिया हमने पहले अभी भी हम उसे क्या करेंगे हरा देंगे ओके अभी वो क्या थे उनको वो शुगर थे अपने गेम में कि हम इस बार भी इंडियन टीम को हरा देंगे ओके परहैप्स दैट इट वाज अ रीजन व्हाई देयर रूलर्स हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच अभी यही रीजन था कि हिटलर जो थे शासक ओके रूलर मींस शासक जो हिटलर थे उस टाइम पे वो वहां पे मैच देखने के लिए आए थे ओके ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन हेवीली उस वक्त क्या हुई थी ओके बारिश गिर रही थी भारी द एंटायर फील्ड हैज बिकम वाटर लॉग पूरा जो ग्राउंड है वो क्या हो चुका था पानी पानी हो चुका था मीन्स पूरे जगह पे क्या थे पानी ही पानी था ओके But 15th August being the last day of the games, 15 August क्या था? Game का last day था, okay? It was not possible to postpone the match any further. हम उसको postpone नहीं कर सकते थे, okay? ये हमारा last chance था, okay? Last day था. The Indian team was little under pressure as they had lost to Germany in practice match and they were not very comfortable with the wet ground. अभी जो इंडियन टीम थी वो थोड़ी सी प्रेशर में थी ओके क्योंकि वो क्यों प्रेशर में थी क्योंकि जर्मनी ने क्या किया था प्रैक्टिस टेस्ट में प्रैक्टिस मैच में उसे हरा दिया था ओके एंड बारिश भी गिर रही थी पूरा ग्राउंड क्या था गीला था तो इसी वजह से भी वो क्या थे थोड़े से नाराज थे ओके अबाउट 40,000 पीपल हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम वहां पे उस टाइम पे हॉकी गेम देखने के लिए थाउजेंड्स पीपल 40,000 पीपल वहां पे आए थे ओके चीयर करने के लिए स्टेडियम में ओके द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड अ फ्यू अदर्स इंडियन हैज कम टू सपोर्ट द इंडियन टीम अभी थाउजेंड्स लोग वहां पे आए थे ओके और वो मैच देखने के लिए बड़ौदा के महाराज भी आए थे भोपाल के राजा भी आए थे और बहुत सारे इंडियंस जो है वो इंडियन टीम के लिए सपोर्ट में आए थे ओके इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां पे आए थे ओके द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 एम मैच जो है हमारी मैच वो 11 बजे स्टार्ट हो चुकी थी ओके द जर्मन टीम हैज अडॉप्टेड अ नोवेल स्ट्रेटजी बाय यूजिंग द इंडियन टेक्निक ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस पासेस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ अब जर्मनी का क्या था एक अलग ही स्ट्रेटजी थी गेम जीतने के लिए वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे वहां पे ओके इंडियन के खिलाफ They had resorted to a very aggressive play. वो चाहते थे कि हाँ हम क्या करें एक अग्रेसिव गेम प्ले करें तो उनकी स्ट्रेटजी थी कि हम क्या करें अग्रेसिव प्ले करें वहां पे गेम में ओके द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वल स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस इंडियन ने भी उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था ओके नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर पहले आधे घंटे में एक भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया 32 minutes during the 32 minute रूप सिंह scored the first goal अभी 32 minute बाद जो है रूप सिंह ने क्या किया था पहला गोल किया था hitting the ball
toward the goalpost from a difficult angle. उसने एक difficult angle से क्या किया था, अपने अपने टीम का गोल किया था. ओके, इन द सेकंड हाफ ऑफ द मैच, अभी अगले आधे घंटे, आधे जो उसकी आधी मैच थी, ओके, दूसरी आधी मैच जो थी उसकी, द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फुटिंग. अभी वो क्या थे, एक गोल से उस जर्मनी की टीम से आगे खेल रहे थे. ओके, द एंटायर टीम प्ले एज वन एंड मेक थ्री मोर गोल्स अगेंस्ट जर्मनी. और इंडियन टीम ने जो है जर्मनी के खिलाफ और तीन गोल हासिल किए. ओके, टू ऑफ देम वेयर मेड बाय कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम. जो टू है गोल वो हमारे इंडियन कैप्टन की टीम जो मेंबर जो टीम थे, इंडियन टीम के जो कैप्टन थे, उन्होंने दो गोल्स बनाए थे. ओके, ध्यानचंद. कौन थे इंडियन टीम के कैप्टन, हॉकी के, ध्यानचंद. हाउएवर द जर्मनी प्लेयर्स वेयर ऑल्सो ट्राइंग टू लेवल बेस्ट टू विन. जर्मनी भी क्या कर रहे थे, जर्मनी के प्लेयर्स भी क्या कर रहे थे, पूरी ताकत वहां पे लगा रहे थे कि हम वो गेम जीते. दे टू सक्सेड इन मेकिंग अ वन गोल. अभी जर्मनी भी एक गोल. नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट्स वेयर लेफ्ट. अभी कुछ ही मिनट्स बाकी थे गेम खत्म होने के लिए. ओके, ध्यानचंद हैड रिजोल्व टू विन. ध्यानचंद क्या करते, अपनी पूरी ताकत वहां पे झोंक रहे थे कि हम ही, ध्यानचंद है पूरी ताकत वहां पे लगा रहे थे मैच जीतने के लिए. द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाइंग जर्मनी मेक एनी मोर गोल्स. और ध्यानचंद ऐसा सोच रहे थे कि हम जर्मनी को एक भी गोल करने नहीं देंगे. ओके, हिज स्पाइक शूज वेयर मेकिंग इट डिफिकल्टी फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड. अभी ध्यानचंद को क्या हो रही थी, सॉरी थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही थी भागने में शूज की वजह से, क्योंकि अभी वो शूज क्या कर रहे थे, जो ग्राउंड ही पूरा गीला था उसकी वजह से वो अच्छे से भाग नहीं पा रहे थे. ओके, ही रिमूव द शूज एंड द सॉक्स एंड बिगेन टू रन बेयर फूट. बेयर फूट, ओके, उन्होंने क्या किया, फिर बाद में जो है वो शूज निकाल दिए, सॉक्स निकाल दिए और नंगे पैर वो क्या करने लगे, वो गेम्स कंटिन्यू करने लगे. ओके, यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल्स ऑफ ड्रिबलिंग एंड हिज नियर मैजिकल गेम. उनके पास क्या थी, एक अमेजिंग स्किल थी. ओके, वो गेम को खेलने की. ओके, ही बिगेन टू सेंड वन पास आफ्टर अनदर टू प्लेयर्स इन अ डी. वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को वो क्या कर रहे थे, वो डी पास कर रहे थे. ओके, दैट इज अ डिफेंडर्स और अपोनेंट्स. जो डिफेंडर एंड अपोनेंट्स होते हैं उनके उनके वहां पे. ओके, एरिया ऑफ वेयर दे कुड मेक गोल्स. दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट. वो एक भी टाइम क्या कर रहे थे, अपना नहीं वेस्ट कर रहे थे क्योंकि टाइम ही कम बाकी था. ओके, द इंडियन टीम स्कोर थ्री मोर गोल्स. इंडियन टीम ने क्या किया, और थ्री गोल्स हासिल किए. ध्यानचंद कुड हैव इजिली मेड द गोल्स हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन पोजिशन. ध्यानचंद ही ने क्या किया था, क्या किए थे, अपने खुद के पोजिशन में उन्होंने क्या किए थे, खुद ही क्या किए थे, गोल्स किए थे. ओके, बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम. उसने स्वार्थी गेम नहीं खेला. मीन्स ध्यानचंद ने क्या किया, ईमानदारी से वो पूरा गेम खेला विदाउट एनी चीटिंग. ओके, स्किलफुली ही टुक द बॉल अवे फ्रॉम ही जर्मनी. Skillfully he took the ball away from the Germany defenders and made it possible for players in the D to score goals. Germany के जो defender थे उन्होंने क्या किया था, ये game जो है वो score करने की बहुत सारी क्या की कोशिश की, but वो जो है वो score नहीं कर पाए. The Germany strategy has proved फ्रूटलेस. जो जर्मनी की स्ट्रेटेजी थी वो काम नहीं आई उनको. ओके, अ डिफीट स्टार इन द फेस. उनकी चेहरे पर हार दिखाई दे रही थी. ओके, सम ऑफ द फ्रस्ट्रेट जर्मन प्लेयर्स देन रिस्टोर टू अ रफ गेम. अभी उन्होंने रफ गेम स्टार्ट कर दिया. ओके, द जर्मन गोलकीपर पाउंस ऑन अ ध्यानचंद एंड हर्ट हिम. जो जर्मनी के जो गोलकीपर थे उन्होंने क्या किया, ध्यानचंद को हर्ट करने की, मीन्स नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. ओके, बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर. वो एक सच्चे खिलाड़ी थे. ध्यानचंद क्या थे, एक सच्चे खिलाड़ी थे. आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड करने के बाद ही इमेजिएटली रिटर्न टू द गेम ऑफ फील्ड. वो बाद में क्या हो गए, वो वापस गेम में आ गए. ओके,
held the spectators spellbound with his game. At last, he scored the last goal of the match just as the game drew to close. बाद में उन्होंने और गोल किए और वो क्या किया उस गेम को क्या किया जीतकर खत्म कर दिया. ओके, द इंडियन टीम हैड ओन थर्ड टाइम इन अ रो. थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया, इंडियन टीम ने गोल किया, वो थर्ड टाइम जीते. ओके, इट वॉज अ हैट्रिक, उनकी हैट्रिक थी. ओके, इंडियन वेयर द थर्ड टाइम्स विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल. ओलंपिक के गोल्ड मेडल में जो इंडियन टीम थी वो थर्ड टाइम क्या थी, विनर थे. ओके, ऑल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वाज ओवर. मैच खत्म होने के बाद जो हिटलर थे वो क्या हुए, स्टेडियम से चले गए. ओके, छोड़कर चले गए. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद्स गेम. जो हिटलर थे वो क्या हो गए, ध्यानचंद से इम्प्रेस हो गए. ओके, इट इज सेड दैट द जर्मन डिक्टेटर had offered Dhyanchand a higher salary. अभी जो जर्मन डिक्टेटर थे उन्होंने क्या किया था, जो ध्यानचंद थे उनको क्या किया था, नौकरी के लिए क्या किया था, ऑफर दिया था. ओके, एंड रैंक इन जर्मन आर्मी. जर्मन आर्मी की आर्मी को उनको क्या किया था, जर्मन आर्मी को आर्मी के लिए उनको क्या किया था, ऑफर दिया था जॉब का. इफ ही एग्री टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी. उन्होंने बोला था कि अगर तुम एग्री हो क्या तुम हमारे साथ खेल सकते हो जर्मनी के तरफ से. बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर. पर ध्यानचंद ने क्या किया था, वो ऑफर को ठुकरा दिया. आफ्टर सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स. ओलंपिक्स की जो विक्ट्री है, जो जश्न है, उन्होंने क्या किया था, खत्म होने के बाद हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद. हिटलर ने क्या दिया, ध्यानचंद को एक स्पेशल गोल्ड मेडल दिया. ओके, जीत हासिल करने के लिए अवार्ड दिया. यू मे बी अवेयर दैट हॉकी आवर नेशनल स्पोर्ट्स. आप अगर जानते हो तो हॉकी क्या है, हमारा एक नेशनल स्पोर्ट है. ओके, मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे August 29 इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया. जो हमारे ध्यानचंद है उनका बर्थडे कब आता है, 29 अगस्त को. ओके, और 29 अगस्त को हम क्या करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में. द फेमस नेशनल स्टेडियम इज नेम आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद. हु नोज, परहैप्स वन ऑफ यू मे कैरी द लेगेसी ऑफ ध्यानचंद फर्दर एंड विन ग्रेट ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्री. ओके, ध्यानचंद का जो सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, और उन्होंने क्या किया था, दिल्ली में क्या किया था, एक स्टेडियम उनके नाम से क्या किया था, पाते रखा था. ओके, और उनकी जो लेगेसी है, परंपरा है, उनको क्या किया था, उन्होंने कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के लिए क्या किया था, कंटेनर रखा था. ओके, उनकी जीत पर. ओके, अंडरस्टैंड. तो ऐसी हमारे जो इंडियन टीम है, ध्यानचंद ने क्या किया था, हमारे इंडिया को ओलंपिक किया दिया था, मेडल जितवा कर दिया था. ओके, द लाइफलेस हॉकी स्टिक यूज टू कम अलाइव इन द हैंड्स ऑफ ध्यानचंद. अभी ध्यानचंद की स्टोरी ऐसी थी कि वो कुछ भी हाथ में ले ले, एक सादी सी सिंपल सी स्टिक भी हाथ में ले तो वो क्या हो जाता है, उसमें जान आ जाती है. ओके, व्हेन ही ड्रिबल्ड द बॉल जस्ट वुडंट लीव हिज स्टिक. सम पीपल इवन स्टोल हिज स्टिक्स एंड ब्रोक देम ओपन टू सी वेदर कंटेन अ स्पेशल ग्रिप और मैग्नेट. ओके, अभी जिससे कुछ लोगों ने क्या किया था, जो ध्यानचंद की जो हॉकी थी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी. अभी उसको क्या किया था, स्टिक को तोड़ने की कोशिश की थी, खोलने की कोशिश की थी, वो देखना चाहते थे कि कहीं उसमें मैग्नेट एंड ग्लू तो नहीं लगाया हुआ है. ध्यानचंद वॉज इवन मेड टू प्ले विथ अदर ऑर्डिनरी स्टिक्स, बट इवन देन His play was a systematic as ever. But ध्यानचंद की जो skills थी, वो skills की वजह से वो क्या करते थे, वो match जितवा देते थे, ना कि इसमें कोई special stick है जो यूज करते थे. ordinary stick से भी वो अपना game पूरी तरह खेलते थे, जीतते थे. okay, यही उनकी क्या थी, खासियत थी. okay, ध्यानचंद's real name was ध्यान सिंह. ध्यानचंद का real name क्या है, ध्यान सिंह. He was a soldier in the Indian Army.
जो ध्यान चंद है, ध्यान सिंह है, वो क्या थे, एक इंडियन आर्मी में एक सोल्जर थे, ओके, सैनिक थे हमारे इंडियन आर्मी में. ही कुडंट प्रैक्टिस हिज गेम ड्यूरिंग द डे बिकॉज ही यूज्ड टू बी बिजी ऑन हिज ड्यूटी एज अ सोल्जर. अभी वो प्रैक्टिस ना नहीं कर पाते थे क्योंकि वो एक सोल्जर थे, उनके क्या थी, ड्यूटीज थी, तो ड्यूटी में वो बिजी रहते थे, तो इसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे. ओके, दैट इज व्हाई ही यूज द प्रैक्टिस एट नाइट इन मूनलाइट. अभी जो ध्यानचंद थे वो ड्यूटी खत्म होने के बाद रात को क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे. ओके, इट इज बिलीव दैट ईच कोच फॉन्डली बिगन टू कॉल हिम ध्यानचंद, चांद मीनिंग मून, द नेम स्टे विथ हिम. अभी कुछ लोग तो उनको चांद, क्योंकि वो रात को प्रैक्टिस करते थे मून में, मून की लाइट में, तो इसी वजह से उनको कोई कोई लोग क्या कहते थे, कुछ लोग उनको जो कोच है उनको चांद करके बुलाते थे. ओके, सो इसी के लिए वजह से उनको जो नाम है उनका ध्यानचंद. सो उसका रियल नेम तो, उनका रियल नेम तो ध्यान सिंह है, पर चांद कैसे पड़ा, क्योंकि उनके जो कोच थे वो उनको चांद करके बुलाते थे क्योंकि वो मूनलाइट पे प्रैक्टिस करते थे. ओके ओके, सो अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.